Hello and welcome to my YouTube channel. Dr. APJ Abdul Kalam said, "I am not a handsome guy, but I can give my hand to someone who needs help. Beauty is in the heart, not in the face." This is Shreyas Badiye with Modern Indian History Lecture Series. And this is the final lecture from the lengthiest topic, that is social reformers. If you have any doubt, you can ask me on Instagram. My Instagram ID is Shreyas Badiye, the peace lover. To get notification of my new videos, subscribe to my YouTube channel and press the bell icon. So, मैं लेक्चर शुरू करने से पहले फिर से आपको एक बार याद दिला दूं कि मेरा जो इनिशिएटिव है, नया इनिशिएटिव, वो है मेक एमसीक्यू चैलेंज. आपको खुद एमसीक्यू बनाना है. मैं फिर से एक बार ये दोहरा देता हूँ, आपको ये काम करना है. बहुत सारे लोगों के मुझे क्वेश्चंस आने चाहिए, मुझे उसमें से चूज करना है बेस्ट कौन से और उसको मैं अगले दिन पोस्ट करूंगा. तो आपको क्या करना है, एक एमसीक्यू बनाना है, एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बनाना है उस टॉपिक पे जो अभी हम कंप्लीट करेंगे. उसको इस टॉपिक के कमेंट सेक्शन में आपको उसको पोस्ट करना है. उस क्वेश्चन के साथ चार ऑप्शंस रखना है और उसके नीचे आपको अपना नाम लिखना है. ये जो आपका क्वेश्चन होगा वो मैं अगले दिन जो मेरा वीडियो लेक्चर होगा, नया वीडियो लेक्चर, उसमें मैं पब्लिश करूंगा और आपका नाम भी बताऊंगा कि किसने ये लिखा है. सो आपका जो मेहनत है ये काम आएगी, क्योंकि आप अगर एमसीक्यू बना पाओगे तो आप एमसीक्यू खुद सॉल्व भी कर सकते हो. तो ये बहुत ही अच्छा तरीका होगा आपको ट्रेन करने का इन सॉल्विंग एमसीक्यूज. सो इस तरह का हमारा एक प्रयास होगा मेरा एक, कि मैं आप लोगों को ये चीज में एक्सपर्ट बनाऊं. ओके, सो अभी हम जो यहाँ पे सोशल रिफॉर्मर्स पढ़ने वाले, ये पार्ट 6 है और आखिरी पार्ट है हमारे सोशल रिफॉर्मर टॉपिक का. इस टॉपिक में हम यहाँ पे मेनली तो तीन बड़े बड़े जो सोशल रिफॉर्मर्स हैं उनको स्टडी करने वाले हैं, बट काफ़ी सारी मूवमेंट स्टडी करने वाले हैं. इनके अलावा भी काफ़ी सारे जो सोशल रिफॉर्मर हैं उनको भी स्टडी किया जाएगा. तो यहाँ पे हम इन तीन जो आपको तीन पिक्चर्स दिख रहे हैं, तीन पर्सनैलिटीज दिख रही है, इनसे हम अभी आखिरी तक फेमिलियर हो जाएंगे वीडियो के एंड तक एज यूजुअल. सो अब हम यहाँ पे क्या क्या पढ़ने वाले, तो हम यहाँ सबसे पहले पढ़ेंगे सर सैयद अहमद खान को. उसके बाद हम अलीगढ़ मूवमेंट पढ़ेंगे. उसके बाद हम देवगढ़ मूवमेंट पढ़ेंगे, जिसको दारुल उलूम भी कहा जाता है. उसके बाद हम रहनुमाई माज दयासन सभा, ओके, सो रहनुमाई माज दयासन सभा ये भी पढ़ेंगे, जो कि एक पारसी मूवमेंट थी. उसके बाद हम सिंह सभा मूवमेंट पढ़ेंगे, अकाली मूवमेंट पढ़ेंगे, ये दोनों सिख मूवमेंट होगी. और उसके बाद हम थियोसॉफिकल मूवमेंट पढ़ेंगे. तो स्टार्टिंग के जो आपको 1, 2, 3 दिख रहे हैं, ये तीनों इस मुस्लिम मूवमेंट होंगे, मुस्लिम, और ये जो है ये पारसी मूवमेंट होगी, ये सिख मूवमेंट होगी. इस तरह से हम अलग अलग मूवमेंट्स यहाँ पे स्टडी करने वाले. तो हम सबसे पहले जो स्टडी करेंगे वो होंगे सर सैयद अहमद खान को. सो सर सैयद अहमद खान जो है वो, उनके बारे में हम सबसे पहले आइडिया ले लेते. सर सैयद अहमद खान जो थे ये जुडिशियल सर्विस के मेंबर थे, यानी अगर आप देखोगे तो वो जज थे. सो जुडिशियल सर्विस के मेंबर होने में वो जज थे, और वो जज हुआ करते थे जिस वक्त ब्रिटिश का हुकूमत देश में था, यानी ब्रिटिश गवर्नमेंट के वक्त वो जज थे इंडिया में. सो ये सर सैयद अहमद खान थे. उसके साथ साथ जब उनका रिटायरमेंट हुआ इन द ईयर 1876, तो वो इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल जो होता है, यानी लेजिस्लेटिव काउंसिल जहाँ पे लॉ बनाए जाते हैं, तो वो जैसा हमारा पार्लियामेंट होता है उस वैसे उस टाइम पे इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल हुआ करता था. सो जैसा हमारा स्टेट में लेजिस्लेटिव काउंसिल होता है ना, उस तरह का काउंसिल समझ लीजिए आप. स्टेट का जो हो गया वो अगर प्रोविंशियल कहते हैं, तो उसी तरह से यहाँ पे जो इंपीरियल हो गया वो हमारा, जिस तरह से पार्लियामेंट होता है जैसे मैंने आपको कहा वैसा वो काउंसिल. सो पार्लियामेंट में लॉ बनाए जाते हैं, उसी तरह तब यहाँ पे लॉ बनाए जाते थे, और ये उसके मेंबर रहे. जैसे आज मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं, वैसे उस टाइम पे सर सैयद अहमद खान, ये आप उनकी यहाँ पे पिक्चर देख पा रहे हैं, ये उस टाइम पे यहाँ पे मेंबर रह चुके हैं. सो इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के वो 1878 में रिटायरमेंट के बाद मेंबर भी बने. उसके साथ साथ उनको नाइटहुड मिला 1888 में, नाइटहुड से वो सर नाम से जाने लगे. सो इनका पूरा नाम हो गया सर सैयद अहमद खान. तो ये सैयद अहमद खान थे जो जिनको सर का जो अवार्ड है ये मिला 1888 में. उसके साथ साथ आप ये देखेंगे तो ये क्या करना चाहते थे, तो ये वेस्टर्न साइंटिफिक एजुकेशन जो है उसको कुरान के टीचिंग के साथ जोड़ना चाहते थे. इनका ऐसा मानना था कि कुरान में जो टीचिंग दी है उसको अगर वेस्टर्न के साथ जोड़ेंगे तो उससे बहुत अच्छे से डेवलपमेंट हो पाएगा. सो मुस्लिम्स जो उनका और अच्छे से डेवलपमेंट होगा, इस विचार के थे सैयद अहमद खान. सो यहाँ पे क्या होता है, तो उन्होंने क्रिटिकल अप्रोच दिखाया था. जो भी
कस्टम्स और ट्रेडिशंस चले आ रहे पहले से, उनका उनको लेके उनका एक क्रिटिकल अप्रोच था कि वो चीज़ों में थोड़ा बदलाव आना चाहिए, ये चीज़ें अभी पुरानी हो चुकी है, इस तरह के विचार रखते थे सर सैयद अहमद खान। सो इस विचार के साथ ये अगर देखोगे तो थोड़ा बदलाव लाना चाहते थे, वो सबको रियली सोचने का अधिकार देना चाहते थे ना, वो फ्रीडम ऑफ थॉट देना चाहते थे लोगों को। ऐसा नहीं है कि जो लिखा है वही मानते रहो, आप खुद सोचो आपको क्या बदलाव होने चाहिए, इस तरह से वो चाहते थे लोगों से। वो एक जीलस एजुकेशनिस्ट थे, एजुकेशनिस्ट होने के साथ साथ एजुकेशन को प्रमोट करना चाहते थे अमंग मुस्लिम्स। सो यहाँ पे वो आप देखोगे तो वो जब ऑफिशियल थे यानी जब वो काम करते थे गवर्नमेंट में, जैसे कि आपने देखा कि ही वाज अ मेंबर ऑफ जुडिशियल सर्विस, तो उन्होंने काफ़ी सारे स्कूल्स ओपन किए टाउन्स में जा जाके, और उन्होंने बुक्स जो है उनको ट्रांसलेट किया उर्दू में ताकि जो स्टूडेंट्स थे उनको उर्दू समझते थे, तब बहुत सारे लोगों को इंग्लिश नहीं समझते थे, तो उर्दू में उन्होंने ट्रांसलेट करा के लोगों को पढ़ाना शुरू किया। और उन्होंने कॉलेज भी शुरू किया जिसका नाम है द मोमेडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, जिसको बाद में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी नाम से जाना गया। सो आज ये अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी नाम से जानी जाती है। तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जो AMU है, ये पहले मोमेडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज हुआ करती थी। सो मोमेडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज अलीगढ़ में बनाया गया था इन 1875। सो इस तरह से अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी फिर आई। तो यहाँ पे इनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा कि वेस्टर्न एजुकेशन साइंटिफिक अप्रोच होना चाहिए, है ना, तो मुस्लिम्स में भी, तो ये बहुत ही एक अच्छी बात उन्होंने कही थी। तो आप यहाँ पे अगर देखो कि ऑल्सो स्ट्रगल टू ब्रिंग अबाउट इंप्रूवमेंट इन पोजिशन ऑफ, है ना, तो उन्होंने काफी सारी चीजों में इंप्रूवमेंट लाने की कोशिश की, जैसे कि वो वुमेन की जो पोजिशन है जो कि डाउन होते हुए दिख रही है, हिंदुइज्म में भी थी पहले और इस्लाम में भी थी, तो इस तरह से वुमेन की जो पोजिशन थी वो डिग्रेड होते हुए दिख रही थी, तो उसके लिए काफी हर रिलीजन से सोशल वर्कर्स एक तो कॉन्ट्रीब्यूशन था ही है चीजों को लेकर। सो यहाँ पे ये सब चीजें हैं। और मैं आपको ये बता दूं कि उन्होंने पर्दा सिस्टम जो है वो भी, उसको भी अपोज किया था। उन्होंने ये भी कहा था कि वुमेन जो है उनको बेटर एजुकेशन दिया जाए, उनको पढ़ाया जाए ताकि उनका डेवलपमेंट होगा। पर्दा सिस्टम जो है ये भी बंद होना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा था पॉलीगैमी जो है यानी एक हस्बैंड जो है वो काफ़ी सारे वाइफ्स रख सकता है, ये भी चीज़ बंद होनी चाहिए, जिसको पॉलीगैमी कहा जाता है। उन्होंने ये भी कहा कि ईजिली जो डिवोर्स दिया जाता है ये भी अगर है तो वुमेन भी दे सकती है डिवोर्स, सिर्फ मेन नहीं, तो ये भी चीज़ उन्होंने चाही थी यहाँ पे। और उन्होंने जो पीरी और मुरीदी का सिस्टम हुआ करता था, पीरी और मुरीदी यानी अगर आप देखोगे तो पीर यानी अगर आपके जो गुरु है धर्म गुरु, और मुरीदी यानी उनके शिष्य, जिस तरह से गुरु और शिष्य वाला जो चीज चलती है, जैसे गुरु कहेंगे उसी तरह आप मानते रहेंगे वो चीजें, तो ये सब चीजों को थोड़ा सा उन्होंने सपोर्ट नहीं किया था। उन्होंने ये चीज खत्म होनी चाहिए इस तरह का बताया था, तभी तो आपको फ्रीडम ऑफ थॉट मिलेगा, इस तरह के विचार रखे थे सर सैयद अहमद खान ने। उसके साथ साथ देखोगे तो उन्होंने स्टार्टिंग में वो यूनिटी को बहुत सपोर्ट करते थे, वो हिंदू मुस्लिम की जो यूनिटी थी उनको, उसको उनका काफी सपोर्ट था। तो सैयद अहमद खान जो थे उन्होंने ये कहा था मुस्लिम से कि argued that Muslims should first concentrate on education, है ना, तो पहले मुस्लिम जो उन्होंने एजुकेशन पे ध्यान देना चाहिए और जॉब्स पे अपना ध्यान देना चाहिए ताकि वो हिंदू जो है उनके साथ साथ आ जाए क्योंकि एक कंपटीशन में, क्योंकि अगर देखा गया तो जो हिंदू थे वो उन्होंने कहा था कि ये पहले से ही ये चीज़ों में इन्वॉल्व हो चुके, तो यही चीज़ें अभी मुस्लिम्स को भी ज़रूरत है कि ऐसा किया जाए। तो हिंदू काउंटर पार्ट्स हु हैड गेन्ड द एडवांटेज फ्रॉम एन अर्ली स्टार्ट, है ना, तो हिंदू ने पहले स्टार्ट किया था, तो मुस्लिम्स जो थे उनको इन्होंने कहा था कि आप भी स्टार्ट कीजिए ये चीज़ें। ओके, तो अनफॉर्चुनेटली अब यहाँ पे देखोगे तो यूनिटी को उनका बहुत बड़ा सपोर्ट था। अब मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड बताता हूँ, अब बैकग्राउंड समझ लीजिए। जब सर सैयद अहमद खान के इस पहले का बैकग्राउंड मैं आपको बताता हूँ, जिस टाइम रिवोल्ट हुआ था, मैंने आपको रिवोल्ट बताया था 1857 में हुआ था, रिवोल्ट में जो बहादुर शाह जफर थे उनको शहंशाह हिंदुस्तान ये डिक्लेयर किया गया था, यानी वो एम्परर ऑफ इंडिया घोषित किए गए थे। सो जितना भी जितनी भी चीज़ें हैं जो रिवोल्ट में हुई थी, जो भी साजिश हुई थी, उसके पीछे दोषी ब्रिटिश ने मुस्लिम्स को पाया था। तो मुस्लिम्स ये कहते थे कि जितनी भी चीज़ें हुई वो सब ब्रिटिश ये कहते थे कि जितनी भी रिवोल्ट में चीज़ें हुई है, जो भी हो पाया, वो सब के लिए जिम्मेदार मुस्लिम्स है। तो मुस्लिम्स का थोड़ा अपोज किया था उन्होंने स्टार्टिंग में, बाद में उनको जब ये पता चलने लगा कि यहाँ पे जब इंडियन नेशनल कांग्रेस बनते हुए दिख रही है, तो उन्होंने मुस्लिम्स को सपोर्ट करना चाहा। जब उनको समझा कि सर सैयद अहमद खान चाहते कि एजुकेट हो, तो हम एजुकेशन की अपॉर्चुनिटीज देंगे मुस्लिम्स को, जिसके कारण सर सैयद अहमद खान जो है उस तरह के जितने भी लीडर्स है वो सबका हमें सपोर्ट मिल जाएगा। सो ये चीज़ जो ब्रिटिश ने चाही थी, इसके कारण ये हुआ था
कि इन्होंने ब्रिटिश को सपोर्ट करना शुरू किया था, क्योंकि ब्रिटिश ने ये कहा था कि हम आपको ये सब चीज़ें प्रोवाइड करेंगे, आपको जॉब्स होना मुस्लिम्स को, आपको एजुकेशन होने, सब हम आपको प्रोवाइड करेंगे, तो आप हमें अपना सपोर्ट दिखाइए। क्योंकि उनको ये पता चल चुका था कि मुस्लिम्स को अपोज नहीं करना है, तो मुस्लिम्स को सपोर्ट करना और उनको यूज़ करना है बाकी जो सेक्शन है सोसाइटी में, बाकी जो कम्युनिटीज़ है सेक्शन में, उनके खिलाफ। सो हम यहाँ पे डिवाइड एंड रूल करेंगे। तो डिवाइड एंड रूल की जो पॉलिसी थी ये अपनाना चाहा था ब्रिटिश ने। अनफॉर्चुनेटली उनका जो इच्छा थी सर सैयद अहमद खान की, वो एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट को प्रमोट करे मुस्लिम्स के बीच में, इसने उनको अलाउ किया कि वो हेल्प ले ब्रिटिश से, और जिसके कारण वो जाल में फंस गए जो कॉलोनियल गवर्नमेंट ने जाल बिछाया था ब्रिटिश ने, और ये पॉलिसी का जो जाल बिछाया था डिवाइड एंड रूल का था। तो इन्होंने मुस्लिम्स को यूज़ करना शुरू किया ब्रिटिश ने, जिस तरह से उन्होंने सर सैयद अहमद खान को यूज़ किया यहाँ पे, और हिंदूज के खिलाफ, और हिंदू और मुस्लिम्स के बीच में एक दरार लाके डाल दी। तो अब मुस्लिम्स की अलग डिमांड होने लगी, हिंदूज की अलग होने लगी, तो इन दोनों के बीच में डिमांड, ये जो एक दरार है वो बनने लगी, जब ये समझने लगा कि सब अलग अलग हैं हम लोग। इस तरह से कुछ चीज़ ब्रिटिश ने यहाँ पे सक्सेसफुली की थी। तो यहाँ पे थोड़ा सा धोखा कर दिया गया था सर सैयद अहमद खान के साथ। सो इस तरह से डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी ब्रिटिश अपनाते थे। सर सैयद अहमद खान जो थे, इनकी अगर आपको सोशल आइडियाज जो है वो उनकी एक मैगजीन है तहदीब उल अखलक करके, तहदीब उल अखलक करके जो मैगजीन है उसमें उन्होंने अपने पूरे थॉट्स लिखे, जिसका मतलब होता है इम्प्रूवमेंट ऑफ मैनर्स एंड मॉरल्स। सो ये चीज़ जो, ये जो मैगजीन है इसमें उनके विचार लिखे सैयद अहमद खान के। तो सर सैयद अहमद खान के बारे में हमने जितना पढ़ा ये इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो अभी हमने स्टडी की। सो यहाँ पे हम फर्स्ट टॉपिक जो है, जो यहाँ पे सर सैयद अहमद खान थे उनको हम पढ़ चुके, और जो फर्स्ट पर्सन है इस पिक्चर में इनसे हम फैमिलियर हो चुके हैं, ये है सर सैयद अहमद खान। उसके बाद हम जो आगे पढ़ने वाले वो है अलीगढ़ मूवमेंट। सो अब हम अलीगढ़ मूवमेंट पढ़ने वाले। अलीगढ़ मूवमेंट जो चलाई थी ये सर सैयद अहमद खान ने चलाई थी, इसलिए हम सर सैयद अहमद खान को पढ़ते हैं ताकि अलीगढ़ मूवमेंट को हम समझ पाए। अलीगढ़ मूवमेंट जो थी ये लिबरल मॉडर्न ट्रेंड था। सो जिस तरह से मैं आपको बता चुका हूं कि सर सैयद अहमद खान लिबरल थे, अपने विचारों को लेकर मॉडर्न थे, और यही चीज़ वो मुस्लिम्स में लाना चाहते थे। तो मुस्लिम्स में जो लाना चाहते थे उसके लिए उन्होंने मोहम्मेडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज भी बनाया था। तो यहाँ पे ये मूवमेंट चली थी अलीगढ़ मूवमेंट जो है, ये अलीगढ़ मूवमेंट के बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं। इसका एम क्या था अलीगढ़ मूवमेंट? अलीगढ़ मूवमेंट का एम ये था कि मॉडर्न एजुकेशन जो है वो इंडियन मुस्लिम्स के बीच में लाया जाए, और जो इस्लाम है उसको हमको कमज़ोर ना करते हुए मॉडर्न एजुकेशन भी प्रोवाइड किया जाए, ना इस्लाम के साथ साथ मॉडर्न एजुकेशन भी मिल पाए, इस तरह से इनका एम था। दूसरा ये था कि सोशल रिफॉर्म लाया जाए मुस्लिम्स में, जैसे कि पर्दा सिस्टम है, पॉलीगैमी है, विडोरी मैरिज है वो, और या फिर वुमेन एजुकेशन है, स्लेवरी है, डिवोर्स है, इन सब में बदलाव आने चाहिए। पर्दा सिस्टम चले जाना चाहिए, पॉलीगैमी सिस्टम चले जाना चाहिए, विडोरी मैरिज जो है वो अलाउ होना चाहिए, विधवा पुनर्विवाह ये अलाउ होना चाहिए, वुमेन का जो एजुकेशन है ना, तो वुमेन के एजुकेशन को भी बढ़ावा मिलना चाहिए, स्लेवरी यानी गुलामगिरी जो होती है ये खत्म होना चाहिए, डिवोर्स जो है वो इजीली वुमेन को भी अलाउ होना चाहिए ये डिवोर्स देना। तो ये सब चीज़ें अलीगढ़ मूवमेंट में शामिल हो गए, जिसके कारण वो मुस्लिम्स को लिबरल और मॉडर्न बनाना चाहते थे। तो इस तरह से एक बहुत ही अच्छी मूवमेंट चलाई थी उन्होंने, जिसका नाम है अलीगढ़ मूवमेंट। सो अलीगढ़ मूवमेंट जो है ये इस तरह की एक मूवमेंट थी। उसके बाद जो हम आगे देखते हैं वो है देवबंद मूवमेंट, देवबंद स्कूल। अब हम जो स्कूल को पढ़ने वाले वो देवबंद स्कूल। तो देवबंद स्कूल जो होगी ये जो अलीगढ़ मूवमेंट स्कूल थी इसके रिएक्शनरी में बनाई गई थी। तो देवबंद मूवमेंट किस तरह से चली थी देखते हैं। सो सर सैयद अहमद खान के बारे में एक और बात बता देता हूँ। जब ब्रिटिश ने इनको यूज करना शुरू किया अगेंस्ट इंडियन नेशनल कांग्रेस और ये सब जो लोग थे इनके खिलाफ, तो सर सैयद अहमद खान का एक अपोज था कांग्रेस को, ठीक है? तो ये चीज याद रखेगा देवबंद स्कूल में जाने से पहले। अब हम देवबंद स्कूल की तरफ आते हैं। देवबंद स्कूल, सो देवबंद स्कूल दारुल उलूम, उलूम यानी विद्या या फिर नॉलेज जो होता है वो, तो ये स्कूल है, ये एक तरह से फिलोसॉफी है। तो देवबंद स्कूल के बारे में पढ़ते हैं। देवबंद स्कूल के थ्रू एक जो दारुल उलूम था वहाँ पे एक देवबंद मूवमेंट चलाई गई थी। देवबंद मूवमेंट जो थी वो ऑर्थोडॉक्स सेक्शन ने चलाई थी, जिस तरह से लिबरल और बहुत ज़्यादा मॉडर्नाइजेशन लाना चाहते थे इस्लाम में या मुस्लिम्स के बीच सर सैयद अहमद खान, तो देवबंद स्कूल उसके रिएक्शन में थी एक स्कूल। वो एक मुस्लिम उलेमा था, यानी वो ऐसा कहते थे कि रिवाइवलिस्ट मूवमेंट जो है,
ओके सो उलेमा, उलेमा का मीनिंग बता देता हूँ। उलेमा यानी जो स्कॉलर्स होते हैं उनका ग्रुप। तो ये ऑर्थोडॉक्स सेक्शन था, एक मुस्लिम उलेमा था जो रिवाइवलिस्ट मूवमेंट चला रहे थे। रिवाइवलिस्ट मूवमेंट क्या होती है मैं आपको बता चुका हूँ। रिवाइवलिस्ट मूवमेंट यानी जो पुरानी चीज़ें हैं उसको वापस लाना। अब इनका ये कहना था कि जो इस्लाम है इसमें बदलाव करना चाहते सर सैयद अहमद खान या फिर उनके जो सपोर्टर्स है वो, तो हम उसको ओरिजिनल फॉर्मेट में लाना चाहते हैं रिवाइवलिस्ट मूवमेंट को। सो इनके ट्विन ऑब्जेक्टिव थे जिससे शुरू किया गया था, एक था कुरान और हादी। सो कुरान और हादी की जो टीचिंग होती है ये लोगों तक पहुंचाना, मुस्लिम्स तक पहुंचाना, और जो स्पिरिट ऑफ जिहाद है अगेंस्ट फॉरेन रूलर है ना, तो फॉरेन रूलर के खिलाफ जिहाद की जो आप में जो भावना है वो जिंदा रखना। तो जो फॉरेन रूलर से उनको मारा जाएगा, उनको अपोज किया जाएगा जिहाद में। सो इस तरह की जो फीलिंग है ये आपके अंदर रहनी चाहिए, इस तरह से देवबंद स्कूल का मानना था। देवबंद मूवमेंट जो है वो दारुल उलूम जो है उन्होंने शुरू की थी। सो दारुल उलूम यानी इस्लामिक एकेडमिक सेंटर, उलूम यानी एकेडमिक सेंटर जहाँ पे आपको नॉलेज मिलता है उस तरह से। दारुल उलूम को तो हाउस ऑफ नॉलेज भी कहा जाता है, यानी अगर आपको देखोगे तो इस्लामिक एकेडमिक सेंटर होते हैं दारुल उलूम, एक वहाँ पे शुरू हुई थी। और ये देवबंद करके एक जगह है, देवबंद करके एक छोटा सा एक जगह, एक विलेज है सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट में, यूनाइटेड प्रोविंस में, वहाँ पे ये मूवमेंट चली थी। इसलिए इसको देवबंद मूवमेंट कहा जाता है क्योंकि इसकी जो जगह थी जहाँ पे शुरू हुई थी वो देवबंद थी। उसके बाद 1866 में मोहम्मद कासिम नानोतवी जो थे और राशिद अहमद गंगोई जो थे, इन दोनों लीडर्स ने ये देवबंद स्कूल जो है देवबंद स्कूल उसमें देवबंद मूवमेंट शुरू की थी टू रिवाइव द इस्लाम, तो इस्लाम को रिवाइव करने की। अगर हम थोड़ा सा पॉलिटिकल फ्रंट देखें देवबंद मूवमेंट का, तो ऑन पॉलिटिकल फ्रंट जो देवबंद स्कूल थी उन्होंने जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है उसको उन्होंने सपोर्ट किया था, और उन्होंने 1988 में जो देवबंद स्कूल थी उन्होंने फतवा जारी किया था, है ना। तो एक फतवा जारी किया था अगेंस्ट सैयद अहमद खान के ऑर्गेनाइजेशन जो चल रही थी ना अलीगढ़ मूवमेंट उसके खिलाफ, तो ये एक चलाया गया था। ये इनका जो चल रहा था वो था यूनाइटेड पैट्रियोटिक एसोसिएशन और मोमेडन एंग्लो ओरिएंटल एसोसिएशन, ये दो एसोसिएशन चल रहे थे सैयद अहमद खान के सपोर्ट में। तो इनके यहाँ पे अपोज किए गए थे, इनके खिलाफ फतवा जारी किया था कि इस्लाम में बदलाव करना चाहते। तो इस तरह से जो देवबंद स्कूल थी ये स्टार्टिंग में इनिशियल स्टेज में ये इस तरह से मूवमेंट चली जो कि चलाई थी मोहम्मद कासिम नानोतवी ने और राशिद अहमद गंगोई ने। उसके बाद जो आए वो थे महमूद उल हसन। महमूद उल हसन आए, ये नए देवबंद लीडर थे, इन्होंने एक पॉलिटिकल और इंटेलेक्चुअल कंटेंट इसमें लाया, है ना। तो जो भी रिलीजियस आइडिया आपकी थी इस्लाम को लेके उसमें थोड़ा सा इन्होंने थोड़ा सा उसमें इंटेलेक्चुअल एक कंसेप्ट डाला था। अब यहाँ पे इनका क्या कहना था, तो उन्होंने ये कहा था कि जो इस्लामिक प्रिंसिपल है और जो नेशनलिस्ट एस्पिरेशन है, यानी हम जो देख रहे हैं कि राष्ट्रवाद या फिर नेशनलिज्म कि हमारा देश है ये फॉरेन रूलर है, ये चीज़ें हम में होनी चाहिए। इस्लाम को मानने के साथ साथ हम लोगों ने जो देश के लिए है वो भी करना चाहिए। तो ये सब चीज़ें महमूद उल हसन ने लाई थी, और एक जमायत उलेमा जो है वो उलेमा वो ग्रुप ने इसको एक शेप दिया था हसन के आइडिया को कि रिलीजियस है जो प्रोटेक्शन हम रिलीजन को दे रहे हैं उसके साथ साथ पॉलिटिकल राइट्स जो है मुस्लिम को उसको भी प्रोटेक्ट करना चाहिए। तो इंडिया में यूनिटी आनी चाहिए, हम सब ने साथ में रहना चाहिए, और हमारा जो नेशनल ऑब्जेक्टिव है कि हमको फॉरेन रूल से हमको मुक्त होना है वो हमने साथ मिलके पूरा करना चाहिए। इस तरह से महमूद उल हसन को सपोर्ट किया था जमायत उलेमा ने। उलेमा यानी मैं फिर से कह देता हूँ कि एक ग्रुप होता है स्कॉलर्स का। सो एक और एक ग्रुप था जिनका सपोर्ट था महमूद उल हसन को। तो थोड़ा सा इंटेलेक्चुअल यहाँ पे आपको कंटेंट दिख रहा है जब से महमूद उल हसन आए। उसके बाद हम देखते हैं कि शिबली नुमानी करके एक और स्कॉलर है, इस्लाम के स्कॉलर थे वो। उसमें उन्होंने भी सपोर्ट किया था देवबंद स्कूल को। उन्होंने ये कहा था कि जो इंग्लिश लैंग्वेज है वो भी हमने एजुकेशन सिस्टम में डालना चाहिए, और यूरोपियन साइंसेस भी हमने एजुकेशन में डालना चाहिए ताकि हमारा जो एजुकेशन हो मुस्लिम्स का वो और थोड़ा अच्छा हो और लोगों में डेवलपमेंट आए, लोग साइंटिफिकली सोच सके, लोगों को साइंसेस पता चले, लोगों को इंग्लिश लैंग्वेज पे कमांड बने, ये सब चीज़ें उन्होंने सोचा था। तो इस चीज़ के लिए उन्होंने नादवतल एक उलेमा बनाया था, और दारुल उलेमा ये जो दोनों हैं ये लखनऊ में उन्होंने बनाए थे। तो ये बनाए गए थे 1894 से 1896 के बीच में, सॉरी 1894 से 1896 के बीच में। तो नदवतल उलेमा और दारुल उलूम ये यहाँ पे बनाया गया था ना। दारुल उलूम मैंने बताया देवबंद स्कूल के साथ उन्होंने काम किया था दारुल उलूम ने। सो दारुल उलूम की आइडिया बहुत ज़्यादा सपोर्टिव थी, इनको बहुत अच्छा सपोर्ट मिला था देवबंद स्कूल को। उन्होंने ये बिलीफ रखा था अपना कि जो कांग्रेस का आइडियलिज्म है ना, तो कांग्रेस जो सोचती है वो बराबर है, उनका हमने सपोर्ट करना चाहिए और एक कोऑपरेशन होना चाहिए।
हिंदू और मुस्लिम के बीच में इंडिया के, तभी जो ये एक ऐसा राज्य बनेगा जहां सब साथ में रह सकते हैं। सो इन्होंने ये भी कहा था कि देयर शुड बी कोऑपरेशन बिटवीन मुस्लिम एंड हिंदूज, और जो कांग्रेस की ये जो आइडिया है इसको हमने सपोर्ट करना चाहिए, इसको अपोज नहीं करना चाहिए। इस तरह से ये जो एक बहुत ही अच्छी यहाँ पे एक और मूवमेंट आपको दिखती है जिसका नाम था देवबंद मूवमेंट या देवबंद स्कूल। सो हमने यहाँ पे एक और एक मूवमेंट यहाँ पे कवर की है जो कि है देवबंद स्कूल या दारुल उलूम। तो यहाँ देवबंद स्कूल या फिर देवबंद मूवमेंट, ये आप अभी जान चुके हैं। उसके बाद हम जो आने वाले हैं वो है रहनुमाई माजदयासन सभा। रहनुमाई माजदयासन सभा जो है ये अभी हम स्टडी करने वाले। तो ये पारसे रिफॉर्म मूवमेंट, ये जो आपको जिनकी तस्वीर दिख रही है ये है, ये पिक्चर जिनकी दिख रही है ये है दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी का बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन रहा इन्फॉर्मेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। सो बहुत सीनियर लीडर थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के। तो यहाँ पे आप इनको अभी जो मूवमेंट इन्होंने चलाई थी वो हम स्टडी करते। तो रहनुमाई माजदयासन सभा ये जो है इसके फाउंडर थे दादा भाई नौरोजी, जे बी वाच्चा, एस एस बंगाली और नौरोजी फुरदौनजी। इन्होंने 1851 में इसकी स्थापना की थी। ये जो लोग थे ये सभी पारसी स्कॉलर्स थे, इन्होंने इसकी स्थापना की थी। और एक आपको मैं बता देता हूँ कि यहाँ पे लिखा हुआ जो है वो है राष्ट्र गोफ्तार। राष्ट्र गोफ्तार जो है इसका मतलब होता है वॉइस ऑफ ट्रुथ। ये एक वीकली था, एक साप्ताहिक था जिसमें ये लोग अपनी आइडियाज लिखते थे, राष्ट्र गोफ्तार। अब ये लोग क्या करते थे, ये लोग जो स्टेटस है पारसी लोगों के, पारसी वुमेन का, उसको ठीक करना चाहते थे, एक स्टेटस अच्छा रखना चाहते थे। अब उनके यहाँ पे भी जो पर्दा सिस्टम था इसको अपोज करते थे ये लोग। उसके साथ साथ जो एज है मैरिज की वो बढ़ाई जाए ताकि चाइल्ड मैरिजेस पारसी कम्युनिटी में भी ना हो, और एजुकेशन जो है ये भी वुमेन तक पहुँचे। सो इस तरह से वुमेन की जो सिचुएशन है वो बहुत सुधारना चाहते थे ये मूवमेंट के थ्रू, रहनुमाई माजदयासन सभा। सो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो अब ये इनका असर इस तरह से हुआ कि जो पारसी है वो इमर्ज्ड हुए एज अ मोस्ट वेस्टर्नाइज्ड सेक्शन ऑफ इंडियन सोसाइटी। आज सबसे वेस्टर्नाइज्ड सेक्शन जो माना जाता है वो पारसी माना जाता है, पारसी कम्युनिटी। तो ये आप देख सकते हो क्या असर हुआ होगा। तो इनका बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है। तो सेकेंड जो यहाँ पे पिक्चर है जो कि जो जिस पर्सन की उनको भी आप पता चल चुका है वो कौन है, वो है दादा भाई नौरोजी। सो दादा भाई नौरोजी को भी अभी आप जान चुके हो। तो अब आते हैं अगले जो हमारे मूवमेंट्स है उस पर। सो यहाँ पे हम कवर कर चुके हैं वो है रहनुमाई माजदयासन सभा। उसके बाद हम सिंह सभा मूवमेंट और अकाली मूवमेंट पढ़ने वाले जो कि सिख रिफॉर्म मूवमेंट है। तो सिख रिफॉर्म मूवमेंट जो है उसको हम अभी स्टडी करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले अगर हम देखेंगे तो सिंह सभा मूवमेंट जो थी वो अमृतसर में बनाई गई थी इन 1873। उसके दो ही ऑब्जेक्टिव थे। तो ये दो ऑब्जेक्टिव आप जान लेते हो तो आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगी चीज़ें। सबसे पहले ये है कि मॉडर्न वेस्टर्न एजुकेशन सिख लोगों तक भी पहुँचाना, जिस तरह से सर सैयद अहमद खान ने मुस्लिम्स तक पहुँचाने का प्रयास किया था, उस तरह से सिंह सभा मूवमेंट ने यही एजुकेशन सिख लोगों तक भी पहुंचाने का प्रयास किया था। उसके साथ साथ जो भी क्रिश्चियन मिशनरीज के एक्टिविटीज है, जैसे मैंने आपको कहा था प्रोसिलिटाइजिंग एक्टिविटीज़ का मीनिंग होता है जो कन्वर्ट करना आपको क्रिश्चियनिटी में, वो सब जो चीज़ें चल रही थी यह चीज़ों के खिलाफ इनको काम करना था। उसके साथ साथ जो ब्रह्मो समाज है, आर्य समाज है, मुस्लिम मौलवीज़ है, सो ये सब लोग अपने इसमें लोगों को कन्वर्ट अपने तरफ लोगों को खींचना चाह रहे थे, ऐसा इनका कहना था। तो सिख जो है सिखिज़म उसको बचा के रखना था, इस चीज़ के लिए सिंह सभा मूवमेंट चलाई गई थी। इस चीज़ के दौरान यहाँ पर एजुकेशन प्रोवाइड किए गए थे, खालसा के स्कूल्स बनाए गए थे, उसमें एजुकेशन प्रोवाइड किए गए थे। और अगर जो पहले इसके लिए पहले ऑब्जेक्टिव पूरे करने के लिए, दूसरे इसके लिए जो भी गुरु ने जो चीज़ें बताई है उसके खिलाफ जो भी रहेगा वो एक्सेप्ट आपको नहीं करना पड़ेगा, ये आप एक्सेप्ट नहीं कर सकते, ये चीज़ यहाँ कही गई थी। और इसी के दौरान यहाँ पे जो है वो मेंटेन किया अच्छा, यानी ओरिजिनल फॉर्म में रखना चाह रहे थे और ये रखा गया था सिख रिलीजन को। उसके बाद जो मूवमेंट चली वो है अकाली मूवमेंट। अकाली मूवमेंट जो थी इसके बारे में मैं आपको बता दूं, अकाली मूवमेंट को गुरुद्वारा रिफॉर्म मूवमेंट भी कहा जाता है। सो गुरुद्वारा रिफॉर्म मूवमेंट या अकाली मूवमेंट जो है ये एक सिंह सभा मूवमेंट का ही ऑफशूट था, उसी में से निकली हुई चीज थी, जो उन्हीं के सपोर्ट में थे। सो ये चाह रहे थे कि जो सिख गुरुद्वारा है, अब हमको सिखिज्म को बराबर रखना है, तो सिख गुरुद्वारा जो है वो उदासी महंत जो
होते उनके अंडर थी। ये ऐसी पोस्ट थी जो हेरिडिटरी थी। हेरिडिटरी होने के कारण वहां पे जो जो भी इंसान है उसके आने वाली जनरेशन ही उसकी जगह लेगा उस महंत की, और इसके कारण बहुत करप्शन बढ़ चुका था। जो गवर्नमेंट है वो इनको कंट्रोल करती थी, इन महंत को। सो ये लॉयलिस्ट और रिएक्शनरी थे, तो ये गवर्नमेंट के जो पैटर्नेज है गवर्नमेंट के अंडर ये रहते थे और गवर्नमेंट की इनको फैसिलिटीज मिलती थी, जिस कारण ये एक तरह से करप्शन करते थे, यानी लोगों को उतना ज़्यादा सिखिज्म के तरफ अट्रैक्ट नहीं रखते थे। सो ये सब जो चीज़ें आपको समझ में आ चुकी थी, तो इसके खिलाफ ये मूवमेंट चलाई गई थी जिसका नाम है अकाली मूवमेंट। अकाली मूवमेंट में अगर देखोगे, जब ये मूवमेंट चली तो अब गवर्नमेंट ने भी इनको दबाने की कोशिश की। ये लोग नॉन वायलेंट रहे और नॉन कोऑपरेशन इनमें था। इन्होंने लॉन्च किया था ये सत्याग्रह नॉन कोऑपरेशन। नॉन कोऑपरेशन क्या होता है हम आगे पढ़ने वाले। नॉन कोऑपरेशन यानी असहकार, जिसमें आपको सुनना ही नहीं है गवर्नमेंट क्या कहती है। नॉन वायलेंट यानी आपको वायलेंस नहीं करना, चाहे गवर्नमेंट कुछ भी करे। इस तरह का एक सत्याग्रह चलाया था अकाली ने 1921 में। बट यहाँ पे जो गवर्नमेंट थी उन्होंने इसको ख़त्म करने की बहुत कोशिश की, बट इतनी ज़्यादा पॉपुलर हो चुकी थी ये मूवमेंट और इतनी पॉपुलर डिमांड थी कि आखिर गवर्नमेंट को झुकना पड़ा। और गवर्नमेंट ने एक एक्ट पास किया जिसका नाम है सिख गुरुद्वारा एक्ट 1922 में। इसको एक अमेंड भी किया गया था 1925 में। इससे जो गुरुद्वारा का जो कंट्रोल था वो सिख लोगों के पास दिया गया था, और सिख लोग उसको कंट्रोल करेंगे, कोई उदासी महंत इसको कंट्रोल नहीं करेंगे। उदासी महंत उसको कंट्रोल नहीं करेंगे, जो कंट्रोल करेंगे वो सिख लोग करेंगे। किस तरह से, तो एक शिरोमणि गुरुद्वारी प्रबंधक कमेटी बनाई जाती है। वो जो कमेटी होती है वो गुरुद्वारा का पूरा जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो देखती है, तो इसको SGPC कहा जाता है। ये अपेक्स बॉडी है, सबसे ऊपर की बॉडी है गुरुद्वारा की। नाम याद रखिएगा, शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी। ये पूरा प्रबंध करने का काम करती है, ये एडमिनिस्ट्रेशन का काम करती है गुरुद्वारा का, पहले जो एडमिनिस्ट्रेशन उदासी महंत करते थे। सो इस तरह से सक्सेसफुली अगर आप देखोगे तो दो मूवमेंट चलाई गई थी, एक थी सिंह सभा मूवमेंट और दूसरी थी अकाली मूवमेंट, और इसको कहा जाता है सिख रिफॉर्म मूवमेंट्स। तो सिख रिफॉर्म मूवमेंट हमने यहाँ पे स्टडी कर लिया है। सिख रिफॉर्म मूवमेंट के बाद जो आखिरी हम स्टडी करने वाले हैं, ये दोनों हमने स्टडी कर लिया है, इसके बाद हम स्टडी करने वाले थियोसॉफिकल मूवमेंट। थियोसॉफिकल मूवमेंट जो है ये हम सबसे पहले देख लेते हैं। तो ये एक थियोसॉफिकल सोसाइटी बनाई गई थी। थियोसॉफिकल सोसाइटी ये बनाई गई थी मैडम ब्लावेट्स्की और कर्नल ऑलकॉट के थ्रू इन 1875 इन न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क में बनाई गई थी थियोसॉफिकल सोसाइटी। अब थियोसॉफिकल मूवमेंट इंडिया में कैसे है ये हमें देखने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे न्यूयॉर्क में बनाई गई, USA में। आपको ये लिखना है कि मैडम ब्लावेट्स्की कौन से कंट्री के थे और कर्नल ऑलकॉट कौन से कंट्री के थे, ये आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है। उसके बाद इनका जो हेडक्वार्टर था वो अडियार करके एक जगह है मद्रास प्रेसिडेंसी में, वहाँ पे शिफ्ट कर दिया गया। सो ये लोग इंडिया में पहुँच गए। इंडिया में आने के बाद ये मूवमेंट जो पॉपुलर हुई थी वो एनी बेसेंट के इंडिया में आने के बाद हुई थी, जो एनी बेसेंट 1893 में आई। एनी बेसेंट के आने के बाद 1893 में उन्होंने जब ये मूवमेंट चलाना शुरू किया, सो ये मूवमेंट बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गई इंडिया में और थियोसॉफिकल मूवमेंट एक चलने लगी। एनी बेसेंट जो थी, ये है एनी बेसेंट जिनकी आपको मैं पिक्चर दिखा रहा हूँ, ये एनी बेसेंट है। एनी बेसेंट जो थे ये आयरिश लेडी थी एक, जो थियोसॉफिकल सोसाइटी में काम करती थी। उनको इंडिया भेजा गया, इंडिया में उन्होंने पूरा काम देखा। काम क्या था इनका, तो यूनिवर्सल ब्रदरहुड ऑफ ह्यूमैनिटी लाना है ना, तो सब में एक भाईचारा होना चाहिए पूरे विश्व में, पूरे दुनिया में, जिससे हम सब लोग एक पीस के साथ, एक शांतता के साथ यहाँ पे रह सके। और यहाँ पे डिस्टिंक्शन नहीं करना है आपको रेस, क्रीड, सेक्स, कास्ट या कलर के बेसिस पे, है ना। सो आपका वंश क्या है, आप मेल हो या फीमेल हो, आपकी कास्ट क्या है, आप गोरे हो, काले हो, किस तरह के हो, ये जो काले गोरे का भेदभाव करते थे ब्रिटिश लोग, तो इस तरह के भेदभाव को सबको खत्म करना है और हमको सब में भाईचारे वाली फीलिंग लाना है, ये काम था थियोसॉफिकल सोसाइटी का। जब इंडिया में जो भी चीज़ें थी हिंदू बिलीफ, उससे वो बहुत इंस्पायर्ड थे। वो लोग रीइंकार्नेशन यानी जो अवतार होते अलग अलग भगवान के, उसको मानते थे। ये लोग कर्मा को मानते थे, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसा करोगे वैसा ही होगा, अगला जन्म वैसा ही मिलेगा, वैसे ही स्वर्ग में जाओगे, वैसे ही नरक में जाओगे, ये चीजों को थियोसॉफिकल सोसाइटी वाले मानते थे। उनका इंस्पिरेशन उन्होंने लिया था उपनिषद से, संख्या, योगा और वेदांत। ये जितने भी ये स्कूल, ये जितनी भी फिलोसॉफी, इन फिलोसॉफी से उन्होंने अपना पूरा थॉट्स बनाए थे। तो ये थी जिनका नाम है एनी बेसेंट, जिन्होंने मूवमेंट चलाई थी। इन्होंने क्या क्या काम किया देखते हैं। तो सोसाइटी ने चाइल्ड मैरिज को अपोज किया, उन्होंने एबॉलिशन ऑफ कास्ट को सपोर्ट किया कि कास्ट जो है वो खत्म हो जानी चाहिए, डिस्क्रिमिनेशन, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, सॉरी एबॉलिशन ऑफ कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, जो भी कास्ट को लेके जो भेदभाव चलते हैं वो सब खत्म हो जाने चाहिए। उसके साथ साथ अपलिफ्टमेंट ऑफ आउटकास्ट, है ना, तो जिन लोगों को आउटकास्ट कर दिया गया, जिसको समाज से बाहर कर दिया गया, उन लोगों को यहाँ पे डेवलपमेंट का मौका देंगे ये लोग, ये भी इनका काम था। उसके साथ साथ जो वीडोज है उनकी कंडीशन सुधारना, उनको एजुकेट करना, उनको ट्रेनिंग देना,
जो विधवा होती है उनको, तो ये सब चीजें यहाँ पे ये लोग करते थे, जो सोसाइटी के लिए ये सोसाइटी जिनको बाहर कर देती थी उनको हेल्प करने का काम किया जाता था यहाँ पे। बिसेंट जो है उन्होंने द सेंट्रल हिंदू कॉलेज बनाया था बनारस में इन 1898, और आगे जाके यही बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी बनी इन 1916 में। सो यहाँ पे बनारस हिंदू कॉलेज बनाया गया था जहाँ पे हिंदू रिलीजन के साथ साथ वेस्टर्न साइंटिफिक सब्जेक्ट्स भी पढ़ाए जाते थे, यानी वेस्टर्न सब्जेक्ट्स भी पढ़ाए जाते थे और हिंदू रिलीजन की भी चीज़ें पढ़ाई जाती थी। सो साइंस भी पढ़ाए जाते थे और ये भी पढ़ाया जाता था हिंदू रिलीजन। सो इस तरह से एक बनारस, एक सेंट्रल हिंदू कॉलेज बनारस में बनाया गया था। एनी बिसेंट जो है उन्होंने काफ़ी बहुत उनका बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा एजुकेशन ऑफ वुमेन को लेके, उन्होंने बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन किया है वुमेन के एजुकेशन को लेके। सो इस तरह की थी हमारी एक सोशल रिफॉर्मर जिनका नाम था एनी बिसेंट। सो इस तरह से हमने अब तक जो पूरे मूवमेंट्स थे उसको कवर किया थियोसॉफिकल मूवमेंट के साथ, और हम यहाँ पर रिफॉर्म एंड रिफॉर्मर्स एंड मूवमेंट्स जो है ये टॉपिक फाइनली ख़त्म कर चुके। हमने इसको 6 पार्ट्स में स्टडी किया है। अब आप ये तीनों लोगों को यहाँ पर जानने लगे हो, ये जो फर्स्ट पर्सन है ये सैयद अहमद खान, सेकंड जो है वो दादा भाई नौरोजी, और जो थर्ड है वो है एनी बिसेंट। इस तरह से हमारा टॉपिक खत्म हो गया है। आप लोगों को इसके ऊपर क्वेश्चंस जो है वो बनाना है, उसको पोस्ट करना है कमेंट सेक्शन में, और कल मैं आपके वो जो क्वेश्चन रहेंगे उसको आपके नाम के साथ पब्लिश करूंगा। आपका नाम भी लिखना है आपको उसके नीचे, नाम लिखना मत भूलिए। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते तो उन्हें लाइक करें, शेयर करें, और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप फॉलो और लाइक कीजिए मुझे फेसबुक पे, मेरे फेसबुक पेजेस को। आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए, श्रेयस बढ़िया द पीस लवर ये मेरा इंस्टाग्राम आईडी है। shreyasbadi@gmail.com पे आप मुझे मेल भी कर सकते हैं। सो इस तरह से हमारा ये टॉपिक के साथ हम अगले वीडियो लेक्चर में मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। सो अब हमारे 29 लेक्चर्स पूरे हो चुके हैं। सो आई होप कि आप अपना ख्याल अच्छे से रख रहे हैं, आप अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर स्टडीज एंड हैव अ गुड डे।